साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम प्रेस वार्ता संबोधित करने आए हैं। आज पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस और आंदोलन कर रही है। हम सबको ज्ञात है किस प्रकार पश्चिम बंगाल के राजधानी में कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक 31 वर्षीय युवती की नृशंस हत्या दुष्कर्म का विषय हम सबके समक्ष आया है। साथियों, हम सबको ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल में जो ममता दीदी की सरकार है, यह सरकार 2021 में इन्होंने कहा था चुनाव में खेला होबे की परिभाषा क्या होती है यह पश्चिम बंगाल ने भी देखा और पूरे देश ने भी देखा। खेला होबे के नाम पर लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा का तांडव हो रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल के संदेश खली में तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी, कोई सामान्य कार्यकर्ता की बात नहीं है, तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी शाहजहां के संरक्षण में दलित आदिवासी महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, हत्याएं होती है, नरसंहार होता है और सब शांत रहते हैं। हम पूछना चाहते हैं ये इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं आज मौन व्रत धारण किए हुए हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आप हाथरस जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले क्षेत्र में? यदि ऐसा दुष्कर्म होता है तो राजनीतिक अवसरवादिता का एक उदाहरण पेश करते हैं ये लोग। आज उनका असल चेहरा बेनकाब हो रहा है। आप बेटी बेटी में भेद करते हैं। पश्चिम बंगाल की बेटी कोई बेटी नहीं है क्या? जहां आपकी सरकार है, झारखंड की बेटी बेटी नहीं है क्या? हिमाचल की बेटी बेटी नहीं है क्या? हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये राजनीतिक अवसरवादिता, सेलेक्टिव एमनीजिया, सेलेक्टिव आउटरेज का एक उदाहरण पूरे देश में, पूरे राजनीति में ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो साथियों, आपके माध्यम से हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि जो पिछले दिनों से पश्चिम बंगाल की सड़कों पे हो रहा है, पूरे देश में वो एक आंदोलन का स्वरूप धारण कर रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल की जो सरकार आज उस पीड़िता के परिवार से मिलते जरूर है, लेकिन वो पीड़िता के संदर्भ में जो कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल की नियुक्ति तुरंत किसी और कॉलेज में कर दी जाती है। आखिरकार ऐसी क्या परिस्थिति है? टीएमसी की सरकार ऐसे अपराधी तत्वों को संरक्षण क्यों दे रही है? Why is the TMC government providing patronage to criminal elements? We want to ask the government. हम आंदोलन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता उस पीड़िता परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। साथियों, पश्चिम बंगाल का ट्रैक रिकॉर्ड है, आज कोई पहली बार ऐसा हुआ है ऐसा नहीं है। हम सबको स्मरण है 25 जुलाई 2021 संतरागाछी में हावड़ा जिला में एक अधेड़ महिला श्रमिक के साथ दुष्कर्म किया गया, उसका क्या हुआ ममता दीदी? 2013 में कामदूनी सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला आया, उसका क्या हुआ ममता दीदी? 2014 में वीरभूम सामूहिक दुष्कर्म मामला का सामने आया, 2015 में सुजेट जॉर्डन दुष्कर्म का मामला आया, उसका क्या हुआ दीदी? 2020 में बीजेपी की जो सपोर्टर आदिवासी महिला थी उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसका क्या हुआ दीदी?
2021 के बाद 2 मई का वो काला दिन, तब तो आपकी सरकार तुरंत तुरंत आई थी, और उसके बाद जो हिंसा का तांडव, जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म पश्चिम बंगाल की सड़कों पे हुआ, उसकी जवाबदेही आपको तय करनी होगी। ऐसे कई मामले हैं साथियों, हंसखली से लेकर का मामला हो, लगातार ऐसे मामले हमारे सामने आ रहे हैं। साथियों, यह मामला इतना संवेदनशील क्यों है, यह मामला इतना सेंसिटिव क्यों है? इस मामले में सरकार की जो जुड़ाव है वो इतनी स्पष्ट क्यों है? कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, जब हाईकोर्ट का हस्तक्षेप होता है तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सरकार मामले को लेकर के सीरियस नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट के शब्द हैं, हीनियस, घिनौना, ब्रूटल, विभत्स। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय को इन शब्दों का उपयोग करना पड़ा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि दीदी आपसे नहीं होगा, आपकी सरकार से, आपके पुलिस से आप पीड़िता को न्याय नहीं दिला पाएंगी, इसलिए मामला सीबीआई को हम देते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इस मामले को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपा गया। आखिरकार आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में यह दुष्कर्म पीड़िता का शरीर ऐसे मिलता है, कौन लोग इन्वॉल्व है, किन लोगों की संलिप्तता है, हम पूछना चाहते हैं दीदी आपसे आज। कलकत्ता हाईकोर्ट के शब्द हैं, उन्होंने कहा है डिले इन रिपोर्टिंग द इंसिडेंट। आखिरकार मामले की रिपोर्टिंग में इतना समय क्यों लगा? कलकत्ता हाईकोर्ट का स्पष्ट प्रश्न है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है एविडेंस टैंपरिंग, सबूतों के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है। पीड़िता के परिवार ने कहा है कि जानबूझ करके ये विलंब किया गया। पीड़िता के परिवार को ये कहना पड़ा, आप समझ सकते हैं जिसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ हो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। उस परिवार को बोलना पड़ा कि इंटेंशनल डिले है, ऑब्स्ट्रक्टेड एक्सेस टू द बॉडी। पीड़िता के परिवार को भी पीड़िता के शरीर तक जाने नहीं दिया गया उचित समय में। क्या कारण है, क्या प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं होते हैं? कोर्ट ने सरकार की और कॉलेज की आलोचना करते हुए कहा है ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, क्या कारण थे कि उस कॉलेज के जो प्रधानाचार्य थे, जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर संदीप घोष, उनको तुरंत वहां से हटा करके किसी दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के युवा, पश्चिम बंगाल की महिलाएं, पश्चिम बंगाल का सामान्य नागरिक आज आक्रोशित है और वहां सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोग अकेले नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश, हमारे करोड़ों कार्यकर्ता वहां पे पीड़िता के परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं, और हर परिस्थिति में हम यह सुनिश्चित करेंगे दीदी कि न्याय होगा। हाई कोर्ट हो, सीबीआई हो, जस्टिस विल बी डन एट ऑल कॉस्ट। साथियों, हम सबको स्मरण है ममता दीदी ऐसा पहली बार नहीं कर रही है, और ममता दीदी की प्रतिक्रिया देखिए, वो रिस्पॉन्स क्या करती है, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का एक गठजोड़ हो गया है, वो जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं। भाई हद है, पहली बार हमने ऐसा सुना कि भाई भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, हम तो वैचारिक रूप से एक दूसरे के प्रखर विरोधी हैं। और ममता दीदी किस फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन में है? ममता दीदी दिन में सपना देख रही है क्या? आप कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और वामपंथियों का जॉइंट एफर्ट है, गठबंधन हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है दीदी। आप कहती हैं कि बांग्लादेश की परिस्थितियां उत्पन्न करने का हम प्रयास कर रहे हैं। दीदी, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि उस पीड़िता के परिवार को, पश्चिम बंगाल की सामान्य जनता को, आम लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को, ये सब बोल करके, निराधार बेबुनियाद बातें बोल करके डराने का काम मत करिए। हम पुनः कहते हैं
भारतीय जनता पार्टी, भारत की जनता, हमारे करोड़ों कार्यकर्ता उस पीड़िता के परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, और हम सुनिश्चित करेंगे हर कीमत पे, चाहे जो हो, हम उस पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो यह भी सुनिश्चित करेंगे, ताकि आगे भविष्य में पश्चिम बंगाल क्या भारत के किसी भी हमारी बहन और बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म, ऐसा कुकृत्य करने का कोई हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए साथियों, आपके माध्यम से उड़ीसा, पूरे देश में यह आंदोलन और मजबूत हो रहा है, और पूरे देश में जो पश्चिम बंगाल की सरकार के एक्सपोज होने के साथ साथ तमाम जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो चाहे राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, हेमंत सोरेन हो, आपके आंखों में पानी नहीं है, आपके मुंह में एक शब्द नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है, आपके अंदर की संवेदनशीलता मर चुकी है। ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है साथियों, ये राजनीतिक अवसरवादता है कि बस अब बहुत हुआ, आपका चेहरा बेनकाब हो गया है। ममता दीदी के साथ साथ संपूर्ण इंडी गठबंधन का जो राजनीतिक चोला आप ओढ़ते हैं, भाजपा शासित प्रदेशों में जाते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जो मौन व्रत आपने धारण किया हुआ है, कि मौन व्रत ठीक नहीं है, हम मजबूर करेंगे आपको, आपकी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और पीड़िता के परिवार के साथ आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। आप सब यहां आए और हमारी सहायता की, ये बात, ये बहुत संवेदनशील मामला है, हम सब पूरे सेंसिटिविटी के साथ, पूरे मजबूती के साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, कोलकाता हाई कोर्ट और सीबीआई को जल्द से जल्द न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले, प्रॉम्प्ट जस्टिस हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हम ये सुनिश्चित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आसवान जी, आपने जैसे बताया कि कोलकाता में ये मामला हुआ है और बीजेपी शासित राज्य, आप जहां पे बैठे हैं उड़ीसा में भी ऐसा घटना हुई है, उड़ीसा की सबसे बड़ी जो एम्स प्लस के जो एससीबी मेडिकल में भी ऐसे डॉक्टरों ने दुष्कर्म किया है, ऐसा एलिगेशन है, तो उसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे आप? आपकी यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, जो जीरो गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, जो जहाँ पे आप पूरा जो आपके नॉन बीजेपी स्टेट में जो आपने बताया है, तो उसके हिसाब से बीजेपी रूल स्टेट में क्या आप कहेंगे, और आपकी मुख्यमंत्री भी है आपकी यहाँ पे भी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि सरकार में हो या विपक्ष में हो, हम कभी भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जैसी यह मामला सामने आया था, ये हाई पावर कमिटी की घोषणा हमने की थी, अरेस्ट हो चुका है, और अरेस्ट होने के साथ साथ डीमेट के नेतृत्व में एक कमिटी भी बनी है, अरेस्ट होने के साथ साथ स्विफ्ट एक्शन लिया गया है, और जेल में है जो व्यक्ति, जो अभियुक्त था जिसके ऊपर ये आरोप लगे थे, वो ऑलरेडी जेल में है। तो यही अंतर है, यही अंतर है कि आपके लिए महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है, जो हमारी माताओं बहनों के अस्मिता और सम्मान का विषय है, वो आपके लिए राजनीति का विषय हो सकता है, हमारे लिए न्याय की प्रतिबद्धता है। ऑलरेडी स्विफ्ट एक्शन की बात हो, डीमेट कमिटी की बात हो, अरेस्ट की बात हो, जेल में पहुंचाने की बात हो, तो हमारी सरकार ने स्विफ्ट एक्शन का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेकिन आप उड़ीसा का जो केस और पश्चिम बंगाल का केस, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। पश्चिम बंगाल की सरकार संपोषित कर रही है, संरक्षण दे रही है, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इज पेट्रनाइजिंग एंड गिविंग इंस्टीट्यूशनल पेट्रनेज टू दिस अनलॉफुल एंड क्रिमिनल एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। थैंक यू। आप वेस्ट बंगाल को लेकर जितने जो हुआ है, आप किसने दबाव डाले हैं, जैसे किसी
सीबीआई खत्म तो हो जाएगी, कुछ लोग उनको न्याय मिलना चाहिए। तो देखिए पिछले सालों पिछले मतलब सरकार बीजेडी तो उसी समय कितने मतलब ये औरत हो चाहे लड़की हो इनको हत्या किया गया। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगा आपके सरकार जैसे कि केंद्र में सरकार है और राज्य में भी सरकार है इसका ऊपर आप सीबीआई खत्म के लिए देखिए ऐसा है कि मैंने अभी इनके प्रश्न के भी उत्तर में कहा हम सरकार में हो या हम विपक्ष में हो हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हाथरस का मामला आया, राजस्थान का मामला आया, त्वरित कार्रवाई की गई, सीबीआई की आवश्यकता हो तो सीबीआई भी आएगी। हमारे लिए वुमेन सिक्योरिटी, जेंडर जस्टिस, महिलाओं की अस्मिता, महिलाओं का सम्मान कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, एक कमिटमेंट का विषय है और इसको हम पूरा करेंगे। निश्चिंत रहिए आप। थैंक यू।